घर के कलर के पैसे मांगने पर सर पर किए लोहे की रॉड से 11 बार, मुमरा जीवन बाग में हुई खूनी वारदात। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। 9 मई रात तकरीबन 8 से 9 बजे के बीच मुमरा जीवन बाग में डिलक्स नगर में एक वारदात हुई। फिरोज शेख उर्फ अरबाब नामक एक व्यक्ति है, ये कलर का काम करता है। इसने फैसल शेख नामक व्यक्ति के घर के कलर का काम किया था। 9 मई को रात में उसने कलर के काम के पैसे मांगे। इस बात को लेकर के दोनों के बीच में विवाद हुआ। इस विवाद के चलते फैसल शेख ने लोहे की रॉड से फिरोज शेख के सर पर लगातार प्रहार कर दिए। प्रतिकार में फिरोज ने भी जो है डंडा चला करके खुद को बचाने की और फैसल को मारने की कोशिश की, मगर वो नाकाम रहा और फैसल शेख के रॉड के लगातार किए गए वार के कारण वो गंभीर रूप से घायल हुआ। पुलिस स्टेशन से बाद में कलवा छत्रपति शिवाजी अस्पताल उसको ले जाया गया। इस पूरी वारदात को लेकर के क्या कहा फैसल की पत्नी, उसकी माँ, उसके एक दोस्त प्रत्यक्षदर्शी गवाह ने और उसके छोटे भाई ने, वो हम आपको बता रहे हैं। खबर आप तक पहुंचाने के दौरान तक पुलिस मामले की दर्ज करने की कार्यवाही में जुटी हुई थी। क्या धाराएं लगी है, क्या नहीं लगी है, उसका खुलासा तब तक नहीं हो पाया था। आयशा बी, अच्छा, जो आपके सर लड़के के सर पे जो वार हुआ है, हमने सुना है सलिए से मारा गया है, वो क्यों मारा गया है, किस वजह से मारा गया है? वो इस वजह से मारा गया है कि वो पैसे मांग रहा था मेरा लड़का। काय के पैसे मांग रहा था? कलर लगाया, मेहनत के पैसे मांग रहा था। हाँ, कलर लगाया, उसके पैसे मांग रहा था। कभी लगाया गया था कलर उनके किधर? काम चालू है अभी भी, तो खर्चे को मांग रहे थे। ये बोले कला में देता हूँ करके, तो ये नहीं दे रहे थे। बोले पूजा में तू जब तक पैसा नहीं देगा मैं काम नहीं करूंगा करके। आप कौन है? मैं उनकी वाइफ हूँ। आपका नाम क्या है? नसरीन फिरोज शेख। तो ये मजदूर ने अपनी मेहनत का मेहनताना मांगा तो मारा गया। तो अभी क्या हालत है उनकी? सिटी स्कैन करने। मारने वाले का नाम क्या है? क्या नाम है उनका? फैसल। फैसल, फैसल नाम है। वो किधर रहते, किस जगह रहते, एड्रेस आप बता सकते? मतलब ये जीवन बाग में ही उनका घर है। अच्छी बात। तो अभी आपके लड़के की हालत और उसके साथ में कौन है? उसका भाई है, छोटा छोटा भाई है। हाँ, छोटा भाई है। और यहाँ के लड़के लोग सब बहले हैं, लड़के लोग सब जानते हैं भाई मेरा लड़का सबके लिए काम आता है, वो कोई किसी का मतलब गलत काम नहीं करता, सब उसको पहचानते हैं। तुम हर कोई को भी पूछ लो, लड़का मेरा सब, कोई भी ऐसा नहीं बोलता है कि ये लड़का वो खराब है करके, सबका काम करता है वो लड़का मेरा। तो अभी हमने कुछ यहाँ आके देखा, इस बात को दबाने के लिए भी आपसे कुछ बात की जा रही थी? नहीं, हम लोग तो आए ना, हम लोग को जब एकदम पूरा हो गया उसके बाद में हम लोग को फोन आया, तो हम लोग ऐसे ही भागे, तो उसको लेके गए पुलिस चौकी में। हम वहाँ चौकी में भागे, उसको बाहर लेके निकले तो खून से एकदम लथपथ में गिर गई, बेहोश हो गई, मेरा बच्चा पूरा खून से लथपथ है। तो पुलिस चौकी से मतलब कुछ साथ में हवलदार को भेजा गया है या डायरेक्ट भेजा? वो तो मतलब उसने बोला पहले साइन में लेके इधर लेके जाओ, शिवाजी में वहाँ रिपोर्ट लिखा दिए, मतलब उन्होंने बोला पहले वहाँ जाओ। अभी शिवाजी से लेके अभी साइन जाया जा रहा है जो, तो वो हालत है वहाँ तक सही सलामत पहुँच जाएगा आपका लड़का? हाँ, बोलते हैं बोले अभी तो फिलहाल सीटी स्कैन करवाने के लिए बोले। जी, मेरा नाम मोहम्मद सुल्तान अहमद शेख है। असल में मैं अंदर गली में खड़ा था और चिल्लाने की जोर जोर से आवाज़ आने लगी, तो मैं भाग के आगे बढ़ा, तो मैं जाके देखा तो वहाँ पे अरबा भाई और फैसल भाई आपस में लड़ रहे थे। फैसल भाई के हाथ में ना पंखे की स्टिक थी, जाड़े में का लोखंड, और इनके हाथ में एक लकड़ी की स्टिक थी। ये दोनों एक दूसरे को उससे मार रहे थे, तो मैंने और मेरे पहुँचने तक का 11 से 12 बार वो स्टिक सर पे उनके अरबा भाई के वो मार चुके थे। कौन? फैसल भाई। तो वो हाथ पकड़ के मैंने घुमा के उनको लॉक करके खड़ा कर दिया कि फैसल भाई हिल भी नहीं पा रहे थे। तो ये भाई ने, अरबाब भाई ने भी उनको एक दो स्टिक मारे, और उसके बाद जब उन्होंने देखे ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है ना, तो वो एसके टेलर की तरफ चलना चालू करे, एसके टेलर के पास जाके वो गिर गए, और फैसल भाई को मैंने फिर भी पकड़ के रखा। उसके बाद मैंने छोड़ा उनको, फैसल भाई के पास भागा, मेरे साथ शकील भाई भी थे, शकील ये जो इनके साथ में रहते पुलिस वाले लोग के जो साथ में घूमते,
वो भी साथ में थे, फैसल भाई, मैं और ये मेरा एक दोस्त, मेरा छोटा भाई शमशु, हम लोग तीन जन ने मिल के उनको उठाए। उनको इस कदर का ब्लीडिंग हो रहा था तो डॉक्टर से हमने पट्टी लिए, कापूस लिए, उनका पूरा खून वगैरह पहुँचे, पट्टी टी मार के हम यहाँ पे चौकी आए। तो हमको यहाँ से बोला गया कि आप शिवाजी जाइए, यहाँ पे हमारी कंप्लेंट लिए, शिवाजी भेजे वहाँ पे, बोले इनका इलाज इलाज करा के आप यहाँ लेके आओ। तो अभी हमने इनको कैसे कि वहाँ पे तो लेके चले गए, वहाँ पे तो स्लाइन लगा के छोड़ दिए, फर्स्ट ऑफ ऑल कोई देख रेख नहीं, कुछ नहीं। दूसरी चीज़, अभी सीटी स्कैन के लिए बोले तो मैंने एक फ़ोन किया, हमारा सर आप सीटी स्कैन कीजिए, पैसा लेके सर मैं आ रहा हूँ। तो खैर सीटी स्कैन में उनका भी हो चुका है, तभी वही अंदर बस बातचीत चालू है। कितने टाके आए सर पे? सर पे करीब कुछ 13 टाके आए, 15 ठीक, कितने टाके? 15-16 टाके ऐसे कुछ है। वो तो कैसा कि उस पर लिखा हुआ होगा कितने टाके, जहाँ तक मुझे मालूम है कि 13 टाके आए।